अगर आप भी अपनी स्किन में ग्लोई रखना चाहते हैं और पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं तो ऐसे सभी लोगों के लिए एलोवेरा का जेल काफ़ी उपयोगी हो सकता है। हमारे साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विजय मलिक हैं। हमसे ही जानना चाहेंगे कि वनस्पति विज्ञान में किस तरीके से एलोवेरा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर वनस्पति से संबंधित पौधों पर रिसर्च किया जाता है। और कई स्टूडेंट मेडिसिन प्लांट पर मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप मेडिसिन प्लांट पर रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे में बताते हैं कि एलोवेरा का बहुत महत्व है, तो क्या इस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? एलोवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, जिसका हमारे आयुर्वेद में भी मेंशन है। और एलोवेरा की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, एलोवेरा को दुनिया में एलोवेरा के नाम से ही जाना जाता है। हमारे आयुर्वेद में तो इसको घृतकुमारी भी कहते हैं, लेकिन आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाओ, इसको एलोवेरा ही कहेगा। एलोवेरा की लगभग दुनिया में 500 स्पीसीज पाई जाती है, और जो ये एलोवेरा होता है इसकी लगभग 300 के आसपास इसकी वेराइटी है। और ये डिफरेंट इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसका लीफ जो होता है उसका वो मुख्य पार्ट होता है जिसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस होता है। तो सर, किस तरीके से इसको उपयोग करें, क्या आपने अपने ऊपर भी इसे आजमाया है कभी? मैंने इसको अपने ऊपर आजमाया है, बहुत अच्छी। मैं आपको एप्लीकेशन इसकी मैं बताऊंगा आपको। इसका जो जूस होता है, जो जेल होता है, इसको जेल को निकाल के आप कहीं पर भी, अगर आपके चेहरे पे या कहीं पर भी कोई घाव है, वुंड है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये बहुत ही मतलब कारगर साबित होता है। और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके जेल के अंदर। और इसको हम मतलब ओरली भी ले सकते हैं, और इसको हम एक्सटर्नली भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वुंड पर। और इसकी इसका जो जेल है वो इसके लीफ के अंदर वाले पार्ट से वो निकलता है। उसमें लगभग 99% के आसपास वाटर होता है, और उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन और अमीनो एसिड होते हैं। तो सर, कितना किस किस बीमारी में खास तौर पर फायदा देता है? ये पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसके लिए रामबाण साबित होता है। मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसके साथ, जिन लोगों को हेरिडिटी रूप में जो है मतलब एसिडिटी बनती है, अगर इसको सुबह जो है आधा कप इसका जेल का प्रयोग करें गर्म पानी के साथ, जो एसिडिटी उसको नहीं बनने की, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमारे परिवार में जो है एसिडिटी जो बनती है वो एक हेरिडिटी है, पिताजी को भी थी, हमारी दादी को भी थी, और मैंने इसको जब से लेना इसको शुरू किया, मुझे बिल्कुल एसिडिटी नहीं बनती और मैं रात को चैन से सोता हूँ। तो प्रिजर्वेटिव भी मिलता है, कई कंपनीज का प्रिजर्व डाल के भी इसको जो है मतलब बेचती है, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, मुझे उसे ज़्यादा लेना मुझे ठीक नहीं लगता। अपने घर में इसको उगाओ और इसके जेल को आप यूज़ कर सकते हैं।